वेलकम टू मेक श्योर। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। कल के क्लास में हम देखे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम देखे थे बेसिकली सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके साथ ही हम देखे थे गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। इसके साथ भी देखे थे हम टिंडल इफेक्ट, टिंडल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आपका एक या दो दिन में दो सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है, एक तो बायोलॉजी बाय सुमन सौरभ सर, दूसरा तो स्टार्ट होने जा रहा है मैथ बाय आशीष सर। एक सौरभ सर के द्वारा और दूसरा आशीष सर। तो ये क्लास का टाइमिंग रहेगा 5 से 6 और 6 से 7। तो 4 से लेके 7 बजे तक हमारे साथ बने रहिए और अपने प्रिपरेशन को एक नई लेवल पर ले जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सभी सब्जेक्ट को देखने के लिए कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलरली इसे वॉच कीजिए। आपका जो जनरल कंपटीशन का कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। आपका एक भी क्वेश्चन जो भी हमारे फैकल्टी पढ़ाएंगे उससे बाहर मैक्सिमम 5 से 10% क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग क्वेश्चन को हम क्लासरूम नोट से ही आपको मिलेगा। तो आपको सबसे पहले देखते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इन दोनों चीजों को देखते हैं। देखिए एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। जो वाटर में घुल जाए वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या घुले? विले जब वाटर में घुले तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। वाटर को छोड़ के किसी दूसरे लिक्विड में जब विलेय घुलता है तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखते हैं, लिख लेते हैं इसे। व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर The solution is विले जब जब जल में घुले तो वैसे प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। देखिए शॉर्टकट में इसे लिख रहा है, जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं इथेनॉल इन वाटर दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। विलेय जब विलायक में घुले, और विलायक क्या हो? वाटर, पानी को छोड़ के कुछ भी।
लायक क्या हो, पानी नहीं होना चाहिए, पानी को छोड़ के कोई भी सॉल्यूशन हो। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आयोडीन, चलिए लिख लेते हैं आयोडीन इन अल्कोहल। एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की। पहला सॉल्यूशन एसिडिक, दूसरा बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन और तीसरा न्यूट्रल सॉल्यूशन। इन तीनों को समझिए। देखिए ये तीनों जो सॉल्यूशन है वो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, सीधा सीधा समझ लीजिए, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन को डिनोट करते हैं OH- माइनस से और हाइड्रोजन आयन को डिनोट करते हैं H प्लस से। ठीक, जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाए तो उसे वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब बेसिक सॉल्यूशन, जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन को कंसंट्रेशन सांद्रता कहेंगे। चलिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इन चीजों को समझिए, इन दोनों के डिफरेंस को। जब ज्यादा क्या हो, H प्लस आयन हो, किससे, हाइड्रोक्सिल आयन से, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। तो ज्यादा क्या हो, हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे नहीं लिखते, सब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन जब H प्लस आयन मोर हो, किससे, हाइड्रोक्सिल आयन से, तो वैसा सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन। और जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन मोर हो, किससे, हाइड्रोजन आयन से, तो वैसा सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। सॉल्युबिलिटी को ध्यान से समझिएगा। जब सॉलिड पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में घुल जाने की क्षमता रखती है तो वैसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। मतलब विलेय की, विलायक में घुलने की क्षमता ही क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी, विलेयता कहलाती है। दूसरे तरीके से इसे समझते हैं, जब एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में क्या हो, घुल जाए, तो उसे उस कंपाउंड का क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। इसको समझते हैं सॉल्युबिलिटी को। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, घुल जाए, घुल जाए कहां, सॉल्वेंट में। तो इस पूरे प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, प्रोसेस को कहेंगे सॉल्युबिलिटी।
चलिए लिख लेते हैं सॉल्युबिलिटी को। इसमें लिखते हैं व्हेन सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर क्या हो एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब हिंदी में। चलिए इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। हिंदी में लिखते हैं जब विलेय किसी विलायक में किसी विलायक में भूल जाने की किसी विलेय का किसी विलायक में जब विलेय का किसी विलायक में भूल जाने की जब हटा देते हैं जब बैठने रहा। इसे अपनी भाषा में हम लिखवा रहे हैं विलेय का किसी विलायक में भूल जाने की क्षमता विलेयता कहला। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं किसी एक यौगिक का यौगिक किसको कहते हैं हिंदी इंग्लिश में कंपाउंड इंग्लिश वाले भी समझ लें जब किसी एक कंपाउंड का दूसरे या अन्य यौगिक में भूलने की क्षमता उस यौगिक का विलेयता कहलाता है। ठीक है अब देखते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। इसके चार फैक्टर जो होता है इन्फ्लुएंस करते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग चार कारक जो हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक विलेय पूरा हिंदी में नहीं लिख रहे हैं हम आप समझ लीजिएगा इसे लेता। इसके चार फैक्टर कितने फैक्टर हम बताएं चार। पहला टेम्परेचर किसी का टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर साइज ऑफ सब्सटेंस चौथा
नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन चीजों को याद रखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ऑप्शन में यहाँ तीन दे देगा, चौथा कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको, साइज की जगह वॉल्यूम कर देगा, वॉल्यूम वॉल्यूम करेगा तो साइज ही हो गया उसका, शेप कर देगा, कुछ भी कर देगा, आप उसे काट लीजिएगा। तो जब आप डिटेल में एक एक चीज को पढ़े रहिएगा तो आपको सुविधा होगी ऑप्शन छाटने में। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज को आपको डिटेल में पढ़ाएं। यदि आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो आप इसे जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। गैस और द्रव का तापमान बढ़ेगा तो ठोस पदार्थ की ठोस पदार्थ में जो घुला हुआ है तो ठोस पदार्थ की विलयता क्या होगी उसके साथ, बढ़ेगी। इसे लिख लेते हैं, ठोस पदार्थ विलयता द्रव या गैस की विलयता के साथ गैस का तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता, गैस का तापमान बढ़ने के साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉलिड सब्सटेंस का जो सॉल्युबिलिटी है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कब? व्हेन लिक्विड गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की विलयता जो है वो बढ़ते जाएगी, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी इसका गैस का इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दाब इंक्रीज करेगा विलयता करेगा। कुछ और देखते हैं, पोलर सॉल्यूट का पोलर सॉल्यूट ध्रुवीय पोलर सॉल्यूट का पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील होता है। होता है क्या है, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सोडियम क्लोराइड क्लोराइड इन वाटर सीधा से जिसका एग्जाम्पल NaCl इन वाटर, ये क्या होता है NaCl वाटर में क्या होता है, घुलनशील होता है। पोलर सॉल्यूट इसमें डिजोल्व है, पोलर सॉल्वेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक में देखिए, एक ध्रुवीय विलेय है जो
अध्रुवीय विलायक में हमेशा क्या रहता है? अघुलनशील होता। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या बेंजीन में घुलनशील नहीं होता। एक दो पॉइंट और देखते हैं इसमें। ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक में अघुलनशील होता है। अध्रुवीय ध्रुवीय विलायक में अघुलनशील होता, अघुलनशील होता। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। एग्जाम्पल है NaCl इन बेंजीन। वहीं अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में बहुत कम घुलता, बहुत कम घुलता, ना के बराबर घुलता। बहुत कम घुलनशील होता है। ये पॉइंट हो गया आपका कुछ पॉइंट सॉल्युबिलिटी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आगे बढ़ के देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई सॉल्यूशन रहे उसमें विलयन की कुल मात्रा और विलेय की कुल मात्रा के अनुपात को ही उसका क्या कहते हैं? विलयन का सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे विलेय की कुल मात्रा और विलयन की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए दो तरह का सॉल्यूशन होता है। पहला तो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इन चीजों के बारे में भी थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डिफिनेशन लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। देखिए अमाउंट का कहने का सीधा मतलब हुआ हमारा इसका मास से, इसका द्रव्यमान से, इसे द्रव्यमान। हिंदी में लिख लेते हैं इसे, किसी द्रव
किसी विलयन की कुल मात्रा विलयन की कुल मात्रा और उसमें उपस्थित उपस्थित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात अनुपात मतलब रेशियो उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। सॉल्यूशन कितने तरह का बताया अभी? दो तरह का। पहला तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं तनु विलयन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कहते हैं सांद्र विलयन। देखिए, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो अधिक हो वैसे सॉल्यूशन को क्या सॉल्यूशन कहते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, सॉल्यूट का मास कम हो वैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो वैसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में यदि रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन तो यह क्या कहलाएगा सॉल्यूशन में? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में यदि हाई कंसंट्रेशन तो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में भी इसे लिख लेते हैं ताकि जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। विलेय की मात्रा वह स्टार्ट करते हैं और मोल की तरफ जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीका जानते हैं तो कुछ तरीका देख लेते हैं। वेरियस वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला देखते हैं मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, द्रव्यमान का प्रतिशत, द्रव्यमान। चलिए मास कंपोनेंट को देखते हैं। मास कंपोनेंट परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ कंपोनेंट। ये कंपोनेंट किसका होगा? सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। इनटू 100 को हमेशा याद रखिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम
परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। जब इसके बाद हम सॉल्यूशन को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जब हम मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे, उस समय सभी क्वेश्चन से एक एक दो दो न्यूमेरिकल हम करवा देंगे, ताकि आपको यदि न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं आयतन, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन। देखिए इसको सीधा सीधी याद रखिएगा इस तरीका से, ऊपर में विलेज का या तो मास रहे या तो वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बोल रहा है क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम ऊपर रखिए किसका, विलेज का, जो भूल जाए उसका वॉल्यूम रखिएगा, और पूरे सॉल्यूशन का फिर वॉल्यूम नीचे डालिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बटा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, विलेय का आयतन, हिंदी में लिख देते हैं, मतलब विलेय का आयतन यहाँ विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भार भी इसको, विलेय का टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन का जो पूरा वैल्यू है वो। नेक्स्ट देखते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले देखते हैं, ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, मोलों की संख्या, हिंदी में से कहेंगे मोलों, इसको अच्छा से लिख देंगे नीचे एक साथ, ये थोड़ा ऑड लगता है देखने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ऑल द कंपोनेंट। देखिए इसमें दो चीज होता है, कंपोनेंट में या तो जब सॉल्यूट का डालिएगा तो वहां या तो सॉल्यूट का निकालिएगा या सॉल्वेंट का निकालिएगा, नीचे लेकिन जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट वो सॉल्यूशन का रहेगा। यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि विलायक का मोल फ्रैक्शन निकालिए, मोल प्रभाज निकालिए, तो विलायक का मोल प्रभाज जब निकालने कहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स किसका देंगे, विलायक का देंगे ऊपर, जब कहेगा विलेय का मोल प्रभाज निकालिए तो नंबर ऑफ मोल्स किसका ऊपर देंगे, विलेय का देंगे। तो इसे समझ लीजिए, हिंदी में लिख देते हैं आपको, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। क्वेश्चन के हिसाब से आप बनाइएगा, विलेय का पूछ रहा है या विलायक का पूछ रहा है, यहां तो टोटल रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और यदि क्वेश्चन में पूछ जाए विलायक की, तो यहाँ विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलिए एक चीज जान लीजिए, जो विलेय का मोल प्रभाज है प्लस विलायक का मोल प्रभाज, तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू। चलिए अब एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए। स्टार्टिंग में हम बता चुके थे 25 तारीख से मैथ और बायोलॉजी स्टार्ट होने जा रहा है। बायोलॉजी सौरभ सर स्टार्ट करेंगे, सुमन सौरभ सर, और मैथ आशीष सर। मैथ आएगा आशीष सर के द्वारा, ये आएगा सुमन सौरभ सर आएंगे। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाने से आपको, पढ़ाई से रिलेटेड जहाँ तक अभी तक पढ़ाएं समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम आपके हर एक कमेंट को सीरियसली लेंगे और आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।